हमारे पहले वीडियो में हमने दो केसेस देखे पॉवर्टी के, साथ ही साथ हमने जाना सोशल एक्सक्लूशन, वल्नरेबिलिटी, इन सब के बारे में। अब हम बात करते हैं पॉवर्टी लाइन की। सबसे बड़ा जो डिस्कशन होता है पॉवर्टी को लेकर, उसका जो मेन सेंटर होता है वो होता है कि हम पॉवर्टी लाइन क्या है उसके बारे में बात करें। एक कॉमन मेथड जो इस्तेमाल किया जा रहा है पॉवर्टी को मेजर करने के लिए, वो बेस्ड होता है इनकम पर या कंजम्पशन लेवल पे। एक आदमी गरीब तब समझा जाता है जब उसकी, या चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, उसकी इनकम या जो उसका कंजम्पशन लेवल है वो एक मिनिमम लेवल से नीचे आ जाए, यानी वो लेवल जो ज़रूरी होता है बेसिक नीड्स के लिए, अगर उससे भी नीचे आ जाए तब वो आता है आपका पॉवर्टी लाइन, उस हिसाब से मेजर करी जाती है। क्या ज़रूरी है कि बेसिक नीड्स को अगर हम सेटिस्फाई करना चाहते हैं, ये जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं ये क्या है, अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके की होती हैं और अलग अलग कंट्रीज में होती है। कुछ कंट्रीज में बेसिक नीड्स की रिक्वायरमेंट अलग तरह की होती है, हमारी कंट्री में अलग तरीके की है, इसलिए जो पॉवर्टी लाइन है वो वैरी करती रहती है टाइम और प्लेस के साथ। हर कंट्री एक इमेजिनरी लाइन का इस्तेमाल करती है जो कि बिल्कुल अप्रोप्रिएट मानी जाती है, जो एग्जिस्टिंग लेवल है डेवलपमेंट का उसके लिए, या जो मिनिमम सोशल नॉर्म्स रखे गए हैं एक्सेप्ट करे हुए उनके लिए का एक इमेजिनरी लाइन है जो हर कंट्री की अपनी होती है। अब जैसे एक इंसान जो है, अगर उसके पास कार नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स में तो वो गरीब माना जाएगा, और हमारे यहाँ इंडिया में अगर कार है तो वो एक बहुत बड़ी लग्जरी है। तो अगर हम इंडिया में पॉवर्टी लाइन जो है वो डिटरमिन कर रहे हैं, तो मिनिमम लेवल जो फूड रिक्वायरमेंट की है, क्लोथिंग है, फुटवेयर है, फ्यूल है, लाइट है, आपका एजुकेशन या मेडिकल रिक्वायरमेंट है, ये सब जो है देखी जाती हैं एक इंसान की जो अपनी जिंदगी है, गुजर बसर है, उसको करने के लिए। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये फिर इनको मल्टीप्लाई किया जाता है उनके प्राइसेस से जो कि रुपीज में होते हैं। तो जो प्रेजेंट फॉर्मूला है फूड रिक्वायरमेंट का, जब हम एस्टिमेट करते हैं पॉवर्टी लाइन को, तो वो बेस्ड होता है कि कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है। अब कुछ फूड आइटम्स होते हैं जैसे सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गई, आपके वेजिटेबल है, मिल्क है, ऑयल, शुगर, ये सब जो हैं मिलकर इन कैलोरीज को प्रोवाइड करवाते हैं, यानी जितनी कैलोरीज की हमें ज़रूरत है उसके लिए इन चीज़ों का खाना ज़रूरी है। अब कैलोरी की जो रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करती है आपकी क्या एज है, आप मेल हैं फीमेल हैं, किस तरीके का आप काम करते हैं। तो जो एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इंडिया में है वो लगभग 2400 कैलोरीज है पर पर्सन पर दिन के लिए, ये बात है रूरल एरियाज की, और 2100 कैलोरीज चाहिए पर पर्सन पर डे अर्बन एरियाज में। अब जो लोग गांव में रहते हैं वो अपने आप को ज़्यादा फिजिकल वर्क में एंगेज रखते हैं, तो कैलोरी रिक्वायरमेंट रूरल एरियाज में वो ज़्यादा होती है अर्बन एरियाज के मुकाबले। जो मोनेटरी एक्सपेंडिचर है पर कैपिटा जिसकी ज़रूरत होती है इन कैलोरीज को खरीदने की, खासतौर से फूड ग्रेन्स की अगर हम टर्म में बात करें, तो उसको बार बार हर पीरियड रिवाइज किया जाता है कि जिस तरह से दाम बढ़ते जा रहे हैं चीज़ों के, उसके हिसाब से इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट को एक तरह से कैलोरी के हिसाब से जो ज़रूरत है उसका खर्चा जो है उसको रिवाइज किया जाता है। इन कैलकुलेशंस के बेसिस पे, फॉर एग्जांपल अगर हम 2011-2012 की बात करें, तो जो पॉवर्टी लाइन थी एक इंसान की वो फिक्स कर दी गई कि 816 रुपए पर मंथ गांव वाले के लिए चाहिए और 1000 मिनिमम अर्बन एरिया के लिए चाहिए। कम कैलोरी की ज़रूरत है लेकिन फिर भी हायर अमाउंट अर्बन एरियाज के लिए इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं अर्बन सेंटर्स में जिनके दाम बहुत ज़्यादा हैं। इस तरीके से ईयर 2011-2012 में अगर एक परिवार में 5 मेंबर हैं और वो गांव में रहते हैं और उनकी जो तनख्वाह है वो लगभग 4080 रुपए से कम है, तो वो जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे आएंगे। इसी तरीके से एक फैमिली जो अर्बन एरिया में रहती है उसको मिनिमम ज़रूरत होती है 5000 रुपए पर मंथ की, ताकि वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। तो ये जो पॉवर्टी लाइन है इसको एस्टिमेट किया जाता है हर 5 साल में, और करने का तरीका होता है सर्वे के थ्रू। ये सर्वे जो है कराए जाते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। अगर हम कंपैरिजन करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, तो बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक हैं, उन्होंने एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड बनाया हुआ है पॉवर्टी लाइन के लिए।
मिनिमम अवेलेबिलिटी जो इक्वलेंट होती है $1.90 पर पर्सन की पर डे, लगभग ये हम बात कर रहे हैं 2011 की। अब बात करते हैं पॉवर्टी एस्टिमेट की। जो आपके पास टेबल दी गई है 3.1, उससे साफ जाहिर होता है कि जो पॉवर्टी रेशियो है उसमें कमी आई है इंडिया के अंदर। लगभग 45% जो 1993-94 में था वो 37.2% रह गया 2004-05 तक आते आते। जो प्रपोर्शन था लोगों का बिलो पॉवर्टी लाइन वो भी नीचे आया है, लगभग 22% 2011-12 में। अगर इसी तरह का ट्रेंड रहा तो लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो और भी उसमें कमी आएगी, लगभग 20% से भी कम आ जाएगी आने वाले कुछ सालों के अंदर। कहने की जो परसेंटेज है लोगों का जो कि अंडर पॉवर्टी रह रहे हैं उसमें कमी आई है पिछले दो दशकों के मुकाबले। जैसे कि अगर 1973-1993 तक की बात करें, नंबर जो पुअर थे उनकी में कमी आई, 407 मिलियन थे 2004-05 में, अब वो रह गए लगभग 270 मिलियन 2011-12 में, जिसमें एवरेज एनुअल डिक्लाइन जो हुआ है वो 2.2% पॉइंट्स का हुआ है 2004-2005 से लेके 2011-12 तक। वल्नरेबल ग्रुप्स की बात करें तो जो प्रपोर्शन है लोगों का बिलो पॉवर्टी लाइन वो सेम नहीं है हर सोशल ग्रुप्स के लिए या जो इकोनॉमिक कैटेगरीज है इंडिया की उसके लिए। सोशल ग्रुप्स जिसमें सबसे ज्यादा वल्नरेबल पॉवर्टी के लिए हैं, वो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हाउसहोल्ड्स। इसी तरीके से इकोनॉमिक ग्रुप्स की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं वो है रूरल एग्रीकल्चरल लेबर हाउसहोल्ड्स के, या फिर जो अर्बन कैजुअल लेबर हाउसहोल्ड्स होते हैं। आपके यहाँ एक 3.1 में ग्राफ दिया हुआ है जो ये बताता है कि जो परसेंटेज था गरीब लोगों का इन सब ग्रुप्स में वो क्या है। एवरेज जो लोगों का है बिलो पॉवर्टी लाइन इन सभी ग्रुप्स के लिए इंडिया के अंदर वो 22 है। 4300 में से जो लोग हैं वो ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं और वो अपनी जो बेसिक ज़रूरतें हैं उनको पूरा नहीं कर पाते। उसी तरीके से 34% जो कैजुअल वर्कर्स हैं अर्बन एरियाज में वो भी बिलो पॉवर्टी लाइन है। 34% जो कैजुअल लेबर फार्म होती है रूरल एरियाज में, या 29% जो शेड्यूल कास्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा पुअर है। दोहरा एक तरह से कहना चाहिए डिसएडवांटेज है अगर आप लैंडलेस हैं, मतलब आपके पास अपनी ज़मीन नहीं है, कैजुअल हैं, आप दिहाड़ी मजदूर हैं, हाउसहोल्ड वाले हैं, वो सबसे ज़्यादा जो डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप्स होते हैं उसमें उनका जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो है शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इस सीरियसनेस को प्रॉब्लम की उभारती है। कुछ जो रिसेंट स्टडीज हुई हैं वो ये बताती हैं कि शेड्यूल ट्राइब हाउसहोल्ड्स को अगर हम छोड़ दें तो और जो तीन ग्रुप्स हैं जिसमें शेड्यूल कास्ट, रूरल एग्रीकल्चरल लेबर्स और अर्बन कैजुअल लेबर हाउसहोल्ड शामिल हैं, उनमें काफ़ी हद तक कमी आई है पॉवर्टी में 1990s के अंदर। इसके अलावा ये जो सोशल ग्रुप्स हैं इनके अलावा इनइक्वालिटी आपको इनकम में भी देखने को मिल जाएगी एक फैमिली के अंदर। ज़्यादातर पुअर फैमिलीज में सब सफ़र करते हैं पर कुछ और ज़्यादा सफ़र करते हैं दूसरों के मुकाबले। कुछ केसेस में विमेन हैं, एल्डरली लोग हैं, फीमेल इन्फेंट्स हैं, इनको जो है एक बराबरी का दर्जा नहीं मिलता है उन रिसोर्सेज के लिए जो कि फैमिली में अवेलेबल है। अब यहाँ पर आपको एक स्टोरी बताते हैं शिवरामन की। शिवरामन जो है वो एक छोटे से गांव में रहते हैं करूर टाउन के पास तमिलनाडु के अंदर। करूर जो है बहुत फेमस है अपने हैंडलूम और पावरलूम फैब्रिक्स के लिए। इस गांव के अंदर लगभग 100 परिवार रहते होंगे। शिवरामन एक कॉबलर हैं बाय कास्ट, अरुण तथियार बोलते हैं इनको, और ये जो है एक एग्रीकल्चरल लेबर की तरह काम कर रहे हैं जिसमें उनको पर डे 160 रुपये मिलते हैं। लेकिन ये जो काम है साल में सिर्फ 5 या 6 महीने के लिए ही होता है, बाकी टाइम के लिए इनको जो टाउन है उसके अंदर और जो भी छोटे मोटे काम होते हैं ये उन कामों को करते हैं। उनकी जो वाइफ शशिकला हैं वो भी इनके साथ काम करती हैं, लेकिन उनको जो है बहुत कम काम मिल पाता है इन दिनों में, और अगर उनको मिल भी जाता है तो उनको 100 रुपये मिलते हैं सेम वर्क के लिए जो शिवराम करते हैं। इनके परिवार में 8 सदस्य हैं। अब शिवरामन की 65 ईयर ओल्ड एक विडोड मदर हैं जो कि बीमार रहती हैं, और उनको जो है कहना चाहिए मदद चाहिए, हर दिन के जो काम होते हैं उसको अपने काम करने के लिए भी किसी ना किसी सहारे की ज़रूरत है। इनकी एक 25 साल की अनमैरिड सिस्टर है और 4 बच्चे हैं जिनकी उम्र 1 से लेकर 16 साल तक है। 3 लड़कियां हैं और जो यंगेस्ट है वो लड़का है, कोई भी इनमें से लड़की स्कूल नहीं जाती।
किताबें खरीदना या और चीजों को खरीदना एक स्कूल जाने वाली लड़की के लिए बहुत बड़ी लग्जरी है जो ये अफोर्ड नहीं कर सकती, और इनकी शादी कराना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो इसलिए नहीं चाहते कि इनकी पढ़ाई लिखाई पे कुछ भी पैसा खर्च किया जाए। जो इनकी मदर हैं उनको एक तरह से ज़िंदगी में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा और वो बस मरने का ही इंतज़ार कर रही हैं। इनकी जो बहन है या इनकी जो बड़ी बेटी है वो पूरे घर की देखभाल करती हैं। अब शिवरामन प्लान कर रहे हैं कि वो अपने लड़के को स्कूल पढ़ने भेजेंगे जब उसकी एज होगी स्कूल जाने की। उनकी जो अनमैरिड सिस्टर हैं वो उनकी वाइफ के साथ जो है नहीं पढ़ती। शशिकला जो है एक तरह से उनको बोझ समझती हैं, लेकिन शिवरामन जो है उनके लिए एक अच्छा लड़का नहीं ढूंढ पा रहे क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है। अब कहने को ये जो फैमिली है इसको दो वक्त का खाना जुटाना मुश्किल होता है। शिवरामन जो है किसी तरीके से दूध खरीद के लाते हैं, और दूध किसके लिए लाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने लड़के के लिए। अब बात करते हैं इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज की। जो पॉवर्टी है इंडिया के अंदर उसका एक और पहलू है, जो प्रपोर्शन है गरीब लोगों का हर स्टेट में एक जैसा नहीं है। कहने को ये जो स्टेट लेवल पे पॉवर्टी है इसमें काफ़ी कमी आई है। एक अगर पहले के मुकाबले कंपेयर करें तो 70s के मुकाबले तो उसमें काफ़ी कमी आई है। पॉवर्टी कम करने का जो सक्सेस रेट है वो भी स्टेट टू स्टेट फर्क होता है। रिसेंट एस्टिमेट्स जो बताते हैं कि जो ऑल इंडिया हेड काउंट रेशियो है वो लगभग 21.9% था 2011-12 में। किन स्टेट्स में? मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पर ऑल इंडिया पॉवर्टी लेवल है। जैसा कि ग्राफ दिखाता है बिहार और उड़ीसा ये सबसे ज़्यादा पुअर स्टेट हैं, जहाँ पर पॉवर्टी रेशियो लगभग 33.7 से लेके 32.6% रिस्पेक्टिवली है। रूरल पॉवर्टी तो है ही है, अर्बन पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा है उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, बिहार में और उत्तर प्रदेश के अंदर। वहीं केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पर पॉवर्टी में काफ़ी कमी आई है। कुछ स्टेट्स हैं जैसे पंजाब और हरियाणा, ये जो है अपने यहाँ पॉवर्टी कम करने को बहुत हद तक कामयाब हो पाए हैं क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है। केरला जो स्टेट है उसने बहुत ज़्यादा फोकस किया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। वेस्ट बंगाल के अंदर जो लैंड रिफॉर्म मेजर्स लिए गए उससे पॉवर्टी को रिड्यूस करने में काफ़ी मदद मिली। आंध्र प्रदेश की बात करें, तमिलनाडु की बात करें तो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ फूड ग्रेन्स का वो भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार रहा इम्प्रूवमेंट के लिए। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, ये करते हैं अपने अगले वीडियो में।